दोस्तों आज की इस वीडियो में डिफरेंसेस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस करने वाली हूँ। हम लोग जानते हैं कि नाउन्स के पहले से ही डिविजन्स हैं, टोटल 5 टाइप्स हैं, बट मॉडर्न ग्रामरियंस ने इसके और 2 ग्रुप डिवाइड कर दिए हैं जो कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। काउंटेबल नाउन, नाउन वर्ड जिसका एक प्लूरल फॉर्म हो और उसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं उसे ही काउंटेबल नाउन कहेंगे। प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन, एक वचन नहीं बहुवचन। जैसे कि कैट का कैट्स होता है, कैट मतलब बिल्ली और कैट्स मतलब बिल्लियाँ, कैट मतलब एक बिल्ली और कैट्स मतलब बहुत सारे बिल्ली, बहुत सारी बिल्लियाँ। तो जो वर्ड कैट है वो हो गया एक वचन यानी कि सिंगुलर, और जो वर्ड कैट्स है वो हो गया बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो ऐसा नाम जिसका कोई प्लूरल फॉर्म हो और उसे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं तो उसको ही हम लोग काउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। बुक एक सिंगुलर वर्ड है, लेकिन अगर बुक्स, बुक का ही बुक्स हुआ एस लगाकर यानी कि प्लूरल फॉर्म है और ये साथ ही साथ काउंट भी किया जा सकता है, तो मतलब जो बुक्स है वो हुआ काउंटेबल नाउन। नंबर 2 एग्जांपल, टेबल सिंगुलर, टेबल्स प्लूरल एंड आल्सो द काउंटेबल यानी कि काउंट कर सकते हैं, तो ये हुआ काउंटेबल नाउन। चेयर का चेयर्स एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल काउंटेबल नाउन का ऑपोजिट। नाउन वर्ड्स जिसका कोई प्लूरल फॉर्म ना हो यानी कि सिंगुलर फॉर्म हो और उसे काउंट ना किया जा सके उसको ही अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मिल्क राइस बटर एयर एंड वाटर। तो मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, राइस को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, बटर एयर वाटर इन द सेम वे, तो इसीलिए ये सारे वर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का। नंबर 1, दे हैव प्लूरल फॉर्म्स, काउ काउज, गर्ल गर्ल्स, डॉग डॉग्स एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन की ओर, दे हैव नो प्लूरल फॉर्म्स, आइस हेल्प ब्यूटी वाटर एक्सेट्रा। ये पहला डिफरेंस हुआ, मतलब कि प्लूरल फॉर्म होगा काउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। अब नंबर 2 डिफरेंस देख लो, दे कैन बी काउंटेड, ये हुआ काउंटेबल नाउन। दे कैन नॉट बी काउंटेड, ये हुआ अनकाउंटेबल नाउन। अब नंबर 3, अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जनरली कॉमन नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन होता है और प्रॉपर कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।